नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान में दोस्तों अगर आप इस दीपावली माता रानी को खुश करना चाहते हैं तो आप दीपावली की पूजा में ये तीन चीज बिल्कुल भी अर्पित ना करें जो लोग यह तीन चीजें माता रानी को समर्पित कर देते हैं उस घर में माता रानी कभी भी नहीं आती उस घर से माता रानी क्रोधित होकर चली जाती है दोस्तों अगर आप इस दीपावली माता रानी को खुश करना चाहते हैं तो आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें और जान लें कि दीपावली की पूजा में ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें दोस्तों अगर आप इस दीपावली माता रानी को खुश करना चाहते हैं तो आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की रात जो पूजा होती है उस पूजा में आपको खंडित चावल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए जो लोग माता को खंडित चावल अर्पित कर देते हैं जो माता रानी के चरणों में खंडित चावल पेश करते हैं वो लोग साक्षात गरीबी को अपने घर दावत देते हैं ऐसे लोगों को माता रानी अपने क्रोध का शिकार बना देती है इसलिए दीपावली की पूजा में माता को खंडित चावल अर्पित ना करें साथ ही साथ दोस्तों अगर आप माता रानी को टूटा हुआ लौंग अर्पित कर देते हैं जो माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लौंग का टूटा हुआ फूल माता रानी को सबसे ज़्यादा क्रोधित करता है इसलिए आप माता रानी को ऐसा टूटा हुआ लौंग समर्पित ना करें और अगर आप माता रानी को भोजन का भोग लगवा रहे हैं तो आपको प्याज और लहसुन से बना भोजन माता को नहीं चढ़ाना चाहिए जो लोग माता को भोग के तौर पर लहसुन और प्याज से बना भोजन जान बूझ कर या भूल वंश चढ़ा देते हैं वो साक्षात अपने घर में गरीबी को दावत देते हैं तो दोस्तों आप अगर माता को कोई भोग लगाने के लिए भोजन चढ़ा रहे हैं तो आपको सात प्रकार की मिठाइयों और व्यंजन का भोग लगाना चाहिए जिसमें पीले रंग के लड्डू अवश्य होंगे तो दोस्तों आप अगर माता की क्रूरता से बचना चाहते हैं तो आपको इन तीन चीजों से बचना चाहिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकें